Welcome again. Today in this video we are going to learn about the classical waterfall model. So in the previous video we have already covered about the software lifecycle model, right? So there are different types of software lifecycle models are there, okay? And among those, these are the 7 most important models, okay? So इनमें से आज हम सबसे important पहले वाला जो कि classical waterfall model है उसके बारे में हम जानेंगे, okay? So this is the classical waterfall model, okay? So before going to this theory part, first of all I will show you the diagram of the classical waterfall model so that it will be easy for you to understand the entire classical waterfall model, okay? So this is the diagram of classical waterfall model, okay? So आप लोगों में से बहुत सारे लड़कों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि ये मॉडल को हम क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल क्यों बोलते हैं, ओके? मैं इसके बारे में भी आपको समझाऊंगा कि हम इसको क्यों वाटरफॉल मॉडल बोलते हैं, ओके? तो ये एक ऐसा मॉडल है, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, राइट? सो आप ऑलरेडी एसडीएलसी के बारे में पढ़ चुके होंगे, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल, राइट? सो अगर आपको नहीं पता है एसडीएलसी क्या है, सो ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन के नीचे उसके लिंक आपको मिल जाएगा, आप पहले उसी वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो में आइए, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, ओके? सो एसडीएलसी में हम बेसिकली क्या जानते थे, एसडीएलसी के थ्रू से हम क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। एक सॉफ्टवेयर जब बनता है तब वो कौन से स्टेजेस को पास करते हुए जाता है, उसी स्टेजेस और उसी फेजेस को हम क्या बोलते हैं, एसडीएलसी, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। एंड वो सब क्या है, फर्स्ट वन इज फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, देन डिजाइन, देन कोडिंग, देन टेस्टिंग एंड फाइनली मेंटेनेंस। सो दीज आर द 6 फेजेस ऑफ एसडीएलसी, राइट? सो ये जो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल है ये एक आइडियलिस्टिक इन नेचर है। आइडियलिस्टिक इन नेचर मींस अनरियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक मींस अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक हम क्यों बोलते हैं, अनरियलिस्टिक इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि ये जो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल है इसको हमको पढ़ने में अच्छा लगता है, समझने में अच्छा लगता है, बट हम जब रियल फील्ड में एक सॉफ्टवेयर को बनाने जाएंगे उस टाइम में हम ये क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल के थ्रू से एक सॉफ्टवेयर को बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ओके? क्योंकि इसमें हमको बहुत सारे तरह तरह का प्रॉब्लम आता है, ऑलराइट? सो हम ये मॉडल को बेसिकली एक सॉफ्टवेयर बनाने के टाइम यूज नहीं करते हैं, ओके? बस लेकिन इसके बारे में हमको जानना जरूरी है, ऑलराइट? सो ये क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है, जब तक एक फेज के काम खत्म ना हो जाए तब तक हम दूसरे फेज में नहीं जा सकते हैं, ओके? मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अगर एक फेज में हैं, काम कर रहे हैं, ओके, तो ये फेज में काम करने के टाइम जब तक इसी फेज का जितना भी काम है वो खत्म ना हो जाए तब तक हम दूसरे फेज में नहीं आ सकते हैं। जब ये एक फेज का काम खत्म हो जाएगा तब ही जाके हम दूसरे फेज में आ सकते हैं, राइट? और ठीक उसी तरह ये फेज का काम जब खत्म हो जाएगा तब ही जाके हम इसी फेज में आएंगे, एंड देन ये फेज का काम खत्म हो जाएगा तो ये फेज में आएंगे, एंड इट विल बी कंटिन्यू टिल द मेंटेनेंस फेज, ओके? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ऑलराइट? देन द सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं, ये एक आइडियलिस्टिक इन नेचर है, राइट? सो इसमें क्या होता है, हमको ये लगता है कि देखो हम अगर एक फेज के काम खत्म होने के बाद ही हम दूसरे फेज में आ रहे हैं, राइट? तो हमको ऑलरेडी ये जो फेजेस है उसके बारे में हम प्रॉपरली प्लान किए होंगे, प्रॉपरली प्लानिंग करने के बाद हम उसी प्लान के हिसाब से ही काम किए होंगे, तभी जाके ये स्टेज का जितना भी काम है वो सब खत्म हुआ होगा, राइट? अदरवाइज हम ये काम इसका ये फेज के काम तो खत्म ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो काम को कैसे करेंगे, नहीं कर सकते हैं कम्प्लीटली, ओके? दैट्स व्हाई हम सोचते हैं कि ये फेज के जितने भी फंक्शंस हैं इसके अंदर जितना भी काम हुआ है वो सब एक प्रॉपरली प्लान के हिसाब से हुआ है और उसी प्लान को देखते हुए ही हम काम को किए हैं और नेक्स्ट फेज में आए हैं, ये हम ऑलरेडी सोचते हैं इस क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में, राइट? और तीसरी बात क्या है जो कि इसी क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है अगर हम एक फेज के काम कंप्लीट कर लिए और दूसरी फेज में हम आ चुके हैं ऑलरेडी, तो हम हमारे प्रीवियस वाले फेज में अगर कुछ जरूरत पड़ा तो हम रिटर्न नहीं हो सकते हैं, ओके? हम इसमें से कोई भी फेज में होंगे, सोचो कोडिंग में हैं अभी, ठीक है,
और हमको ये पता चला कि हम जो डिजाइन फेज में थे उस टाइम कुछ गलती कर दिए हैं। ओके, तो हम गलती कर दिए हमको इसी फेज में पता चला, लेकिन हम चाह के भी हम कोडिंग फेज से अभी डिजाइन फेज में हम नहीं आ सकते हैं। ओके, क्योंकि हम ये क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में एक रूल है जिसमें कि एक फेज से अगर हम दूसरे फेज में आ गए तो हम उसी फेज से फिर उसका प्रीवियस वाला कोई भी फेज में रिटर्न होके नहीं जा सकते हैं। ओके, सो दीज आर द 3-4 पॉइंट्स फ्रॉम व्हिच वी कैन अंडरस्टैंड द क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। ओके, सो अभी हम इसको थियोरिटिकली देखेंगे। देखो, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल इज सिंपलेस्ट एंड आइडियलिस्टिक मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के टाइम ये जो हम क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल को यूज करते हैं ये एक सिंपलेस्ट एंड आइडियलिस्टिक है। आइडियलिस्टिक मतलब अनरियलिस्टिक, जो कि रियल वर्ल्ड में हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, जस्ट इमेजिन करने के लिए ये सही है। ऑलराइट, देन द की पॉइंट्स इसमें क्या क्या है। फर्स्ट वन इज ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर वी एंटर टू द नेक्स्ट फेज। ईच फेज विल फंक्शन वन आफ्टर एनोदर। इसका मतलब क्या है, एक फेज के काम जो है वो जब तक कंप्लीट ना हो हम दूसरे फेज में हम कभी भी नहीं आ सकते हैं। ओके, और जब पहले वाला मतलब जिस फेज में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी फेज का टोटल काम खत्म हो जाएगा तब जाके हम दूसरे फेज में आ सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट एंड इट विल बी कंटिन्यू टिल मेंटेनेंस फेज। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट सेज इट इज द आइडियलिस्टिक मॉडल, देयरफॉर ईच फंक्शन ऑफ एवरी फेज इज कंसिडर्ड टू बी परफेक्टली प्लान एंड कैरिड आउट। मतलब हम ये एक क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल एक आइडियलिस्टिक इन नेचर है। सो हम जब तक एक फेज के काम खत्म ना कर दें तब तक हम दूसरे फेज में नहीं आ सकते हैं। तो ये फेज का काम खत्म कैसे होगा, अगर इसको प्रॉपरली प्लान किए होंगे और उसी प्लान के हिसाब से काम करेंगे तभी जाके इसी का जितने भी फंक्शंस हैं वो सब खत्म होगा। राइट, तो हम ये आइडियलिस्टिक इन नेचर होने का मतलब ये जो फेज है उन सभी फेज में हम प्रॉपरली प्लान किए हैं पहले और उसी प्लान के हिसाब से हम काम को कंप्लीट किए हैं। ओके, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन इट इज द आइडियलिस्टिक मॉडल, देयरफॉर ईच फंक्शन ऑफ एवरी फेज इज कंसीडर्ड टू बी परफेक्टली प्लान एंड कैरिड आउट। ऑलराइट, इन दिस मॉडल इफ ए फेज इज कंप्लीटेड वी कैन नॉट मूव बैक टू दैट फेज एज वी एज्यूम दैट फेज इज टू बी परफेक्टली कंप्लीटेड। इट मीन्स हम एक फेज से दूसरे फेज में जब आ गए हैं ऑलरेडी तो उसी फेज से हम प्रीवियस वाले फेज में हम चाह के भी नहीं जा सकते हैं। ओके, ये एक बहुत ही बड़ा डिमेरिट्स है हमारे क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल का। ओके, तो यही है वो रीजन जिसके वजह से हम ये क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल को हम रियल फील्ड में यानी कि रियल लाइफ में जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तब हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमको थोड़े ना पता है कि कहाँ पे किस फेज में कहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, हमको थोड़े पता है, नहीं पता। तो अगर सोचो यही फेज में है और इसमें प्रॉब्लम आ गया तो यहाँ इस फेज से हम तो ये फेज में जा ही नहीं सकेंगे क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल के थ्रू से। राइट, तो फिर हमको ये सॉफ्टवेयर को बनाने में जो प्रॉब्लम आ रहा है वो उसको रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हम ये क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल को कभी यूज नहीं करते हैं सॉफ्टवेयर बनाने में, और ये आइडियलिस्टिक है बस। ओके, सो इससे आपको पता चल गया होगा कि क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल क्या है। ओके, सो अगर इसको हम रियल लाइफ में सॉफ्टवेयर बनाने के टाइम यूज नहीं कर सकते हैं तो हम ये क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल को पढ़ क्यों रहे हैं। राइट, ऐसे कुछ केसेस होता है जिसमें कि हमको जो क्लाइंट रिक्वेस्ट किया है एक सॉफ्टवेयर बनाने का उसी टाइप का सॉफ्टवेयर हम ऑलरेडी आगे से बना चुके हैं। ओके, किसी और क्लाइंट के लिए, तो हमको ऑलरेडी उसी सॉफ्टवेयर के बारे में वो सॉफ्टवेयर किस तरह बनाया जाता है वो उसके बारे में हमको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आ गया है और हमको उसके बारे में ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी हो चुका है। राइट, तो उसी केस में हम क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल को यूज करेंगे। ओके, दैट्स वाई वी हैव रिटन दिस मॉडल इज यूजफुल व्हेन वी ऑलरेडी डेवलप्ड ए सिमिलर सॉफ्टवेयर एंड वी आर अवेयर ऑफ ऑल इट्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड डोमेन। ओके, एंड देयर आर 6 स्टेजेस ऑफ क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल आर देयर। दीज आर फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। राइट, तो दीज आर द 6 क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। इसमें जब ये वाटरफॉल मॉडल बनाएंगे हमेशा याद रखना ये जो एरो है ये आपको देना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये डिनोट कर रहा है कि ये जो फेज का काम है वो कंप्लीट हो गया है और हम दूसरे फेज में आ चुके हैं। देन ये वाला फेज कंप्लीट हो चुका है, देन नेक्स्ट फेज में आ चुके हैं। ओके, तो ये डिनोट कर रहा है बस एक फेज से हम दूसरे फेज में आ सकते हैं। राइट, लेकिन दूसरे फेज से हम प्रीवियस वाले फेज को नहीं जा सकते हैं। राइट, तो इसलिए ये एरो देना आपको बहुत ही जरूरी है। ओके, सो द लास्ट थिंग इज हम ये जो मॉडल है इसको हम क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल क्यों बोलते हैं। राइट,
तो आपको ऑलरेडी वाटरफॉल किसको बोला जाता है आपको पता होगा। वाटरफॉल मीन्स झील, जिसको हम बोलते हैं झरना, राइट। तो ये है हमारा वाटरफॉल, इसको हम वाटरफॉल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक बार ऊपर से अगर पानी नीचे गिर गया तो वो पानी चाह के भी ऊपर नहीं जा सकता है, राइट। ठीक उसी तरह हम क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में क्या करते हैं, एक फेज से अगर हम दूसरे फेज में आ गए तो हम चाह के भी दूसरे फेज से प्रीवियस वाले फेज में नहीं जा सकते हैं, राइट। तो इसमें ये वाटरफॉल में वही सेम चीज होता है, वाटरफॉल में ऊपर से नीचे पानी गिरा तो फिर नीचे से कभी ऊपर पानी तो जाएगा नहीं। सेम चीज यहाँ पे, हम एक फेज से दूसरे फेज में आ चुके हैं तो दूसरे फेज से प्रीवियस वाले फेज में कोई कभी जा ही नहीं सकेंगे, तो ये भी वाटरफॉल जैसा हो गया ना। तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल क्या होता है और हम इसको वाटरफॉल मॉडल क्यों बोलते हैं, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, ये जो सिक्स फेजेस है, ओके, इन सिक्स फेजेस के बारे में हम डिटेल में अभी समझेंगे, ऑलराइट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फिजिबिलिटी स्टडी, राइट। सो व्हाट डज द फिजिबिलिटी स्टडी सेज, फिजिबिलिटी स्टडी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फेज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। SDLC जो है, इसमें ये जो फिजिबिलिटी स्टडी फेज है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है, ओके। इस फिजिबिलिटी स्टडी के फेज में हम ये चेक करते हैं कि हम जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं वो एक्चुअल में टेक्निकली, फिजिकली और फाइनेंशियली पॉसिबल है कि नहीं। इट मीन्स हम जो सॉफ्टवेयर को बनाने जा रहे हैं वो उसको हम एक्चुअल में बना सकते हैं कि नहीं, और उसको बनाने के लिए हमारे पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ मनी है कि नहीं, वो चेक करते हैं, ओके। उसके अलावा और क्या चेक करते हैं, कौन सा वो टर्म्स एंड कंडीशन क्लाइंट और प्रोजेक्ट मैनेजर के बीच में हुआ है। टर्म्स एंड कंडीशन इन द सेंस, जो क्लाइंट है वो प्रोजेक्ट मैनेजर को कौन सा टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने के लिए बोला है। टर्म्स एंड कंडीशन मीन्स हम क्लाइंट बोलेगा कि मुझे ये जो सॉफ्टवेयर है इसको मुझे आप 1 महीने के अंदर बना के दीजिए, अगर 1 महीने के अंदर बना के नहीं देंगे तो हम पर डे आपका 1000 या 10,000 ऐसे कुछ अमाउंट ऑफ मनी हम उस आपको कम देंगे, या फिर अगर प्रोजेक्ट बनने के बाद 5 साल तक हमारे साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कीजिए कि अगर कोई प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें आप आके उसको सुधारेंगे, ओके। ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस भी यही फिजिबिलिटी स्टडी के फेज में हम डिसाइड करते हैं, ओके। इसके अलावा और क्या चेक करते हैं, हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसमें क्या क्या इनपुट आएगा, ओके, और उन सॉफ्टवेयर से क्या हमको आउटपुट मिलेगा क्लाइंट को, वो सब भी फिजिबिलिटी स्टडी के फेज में डिसाइड करते हैं, ओके। इनपुट एंड आउटपुट मींस क्या, हम सॉफ्टवेयर में क्या इनपुट करेंगे तो हमको क्या आउटपुट मिलेगा, वो सब भी डिसाइड करेंगे इसी फिजिबिलिटी स्टडी के फेज में, ऑलराइट। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फेज। फिजिबिलिटी स्टडी चेक वेदर द सॉफ्टवेयर इज टेक्निकली, फिजिकली और फाइनेंशियली वर्थ वाइल और नॉट, ऑलराइट। Then the next point says it is determined on what terms and condition the customer wants the project. All right. Then the last point is it identify the input and output of software. Okay. Then what are the activity during the feasibility study? Feasibility study के phase में कौन सा activities होता है? उसके बारे में अभी जानेंगे, ठीक है? First one is overall understanding of the problem. It means हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो क्या करेगा, क्लाइंट के साथ डिस्कस करेगा और क्लाइंट का क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है उसको समझेगा, ओके। उसके समझने के बाद डिटरमाइन द डिफरेंट सॉल्यूशन, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन ढूंढेगा, ठीक है। देन एग्जामाइन द ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, टाइम एंड रिसोर्स रिक्वायर्ड, और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ओके, बहुत सारे सॉल्यूशन ढूंढेगा। सॉल्यूशन ढूंढने के बाद ये चेक करेगा कि कौन से सॉल्यूशन में सबसे कम अमाउंट ऑफ कॉस्ट, टाइम एंड रिसोर्स लग रहा है, ओके, एंड देन डिटरमाइन द बेस्ट सॉल्यूशन, एंड उसके बाद बेस्ट सॉल्यूशन को वो चूज करेगा। तो यही सब चीज फिजिबिलिटी स्टडी के फेज में हम कंप्लीट करते हैं, ओके। देन द नेक्स्ट फेज इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, राइट। सो ये जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन फेज है, इसमें हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, कस्टमर का एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है उसको हम पहले फाइंड आउट करेंगे, ओके, और गैदरिंग रिक्वायरमेंट, उसका जो रिक्वायरमेंट है उसको गैदर करेंगे, देन प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करेंगे उसका जो रिक्वायरमेंट है उसको एक प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करेंगे, यानी कि प्रॉपर सिक्वेंस में, एक प्रॉपर ऑर्डर में उसको लिखेंगे।
देन उसको एनालिसिस करेंगे ओके एंड फाइनली रिक्वायरमेंट का स्पेसिफिकेशन करेंगे. इसका मतलब जो हम इंफॉर्मेशन गैदर किए हैं उसको हम उनमें से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हम स्पेसिफाई करेंगे. ऑलराइट, सो इनमें से जो सेकंड पॉइंट है गैदरिंग रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट को हम गैदर किस तरह से करेंगे उसका क्या प्रोसेस है वो अभी देखेंगे. ऑलराइट, सो दीज आर द प्रोसेसेस थ्रू व्हिच वी गैदर द रिक्वायरमेंट. ओके, सो द फर्स्ट वन इज कलेक्ट रिक्वायरमेंट फ्रॉम क्लाइंट थ्रू इंटरव्यू एंड डिस्कशन. हम क्या करेंगे, क्लाइंट के साथ डिस्कस करेंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे और उसका जो रिक्वायरमेंट है उसको हम जानेंगे. ठीक है, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज डाटा कलेक्टेड फ्रॉम यूजर कंटेंट कॉन्ट्राडिक्शन एंड एम्बिग्यूटी. इट मीन्स हम जो डाटा कलेक्ट किए हैं, जो रिक्वायरमेंट को कलेक्ट किए हैं क्लाइंट से, ओके, उनमें से उसी इंफॉर्मेशन में अगर किसी तरह का एम्बिग्यूटी है या फिर कंट्राडिक्शन है तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, क्लाइंट के साथ डिस्कशन करेंगे और उसको रिजॉल्व करेंगे और मतलब उसको दूर करेंगे. ऑलराइट, देन फाइनली हम क्या बनाएंगे, क्रिएट SRS. SRS मीन्स सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हम बनाएंगे. ये कैसे बनाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, सो आप बस अभी के लिए जान लो कि हम इसमें ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्रोसेस में यानी कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन में हम SRS भी बनाते हैं, दैट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. ओके, देन इंजीनियर्स डू रिक्वायरमेंट एनालिसिस स्पेसिफिकेशन डिजाइन एज ए बिजनेस एनालिस्ट. ये जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्रोसेस है ये सब किसके थ्रू से किया जाता है, हमारे कंपनी का जो बिजनेस एनालिस्ट है वो लोग ये सब काम को करेंगे. ऑलराइट, देन द नेक्स्ट फेज इज डिजाइन फेज. राइट, सो अभी हम डिजाइन फेज के बारे में जानेंगे. सो ये डिजाइन फेज में हम क्या करते हैं, इसका जो प्रीवियस वाला फेज था दैट इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन. राइट, तो इसमें हम क्या बनाए थे, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किए थे और उसके साथ हम लास्ट में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन बनाए थे. राइट, तो ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड ये जो डॉक्यूमेंटेशन बनाए थे इन दोनों चीज को, देखो डॉक्यूमेंटेशन एंड SRS को यूज करके हम हमारे जितना भी लॉजिक है उस लॉजिक को यूटिलाइज करेंगे और एक सुइटेबल डिजाइन बनाएंगे डिजाइन फेज में. ओके, ताकि हम जो इसका नेक्स्ट वाला फेज है डिजाइन का दैट इज कोडिंग फेज, उस कोडिंग फेज में इसे डिजाइन को देख के हम हमारा कोड को लिख सकेंगे. राइट, तो इसीलिए हम ये डिजाइन फेज में ये सब करते हैं. ऑलराइट, that's why we have written it converts the documentation of requirement analysis and specification into language that can be implemented in program. Okay, then it utilizes the deliverable that SRS from requirement analysis and specification phase. Okay, form a suitable design with all logic to be implemented in programming language, ताकि हम उसी डिजाइन को देख के हमारा प्रोग्रामिंग को लिख सकें. राइट, और द लास्ट पॉइंट सेज ये जो डिजाइन है डिजाइन फेज में हम दो तरह का अप्रोच फॉलो करते हैं डिजाइन बनाने के लिए, एक हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच और एक और दूसरा वाला हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच. ये दो अप्रोचेस हैं डिजाइन बनाने के लिए. ओके, देन इसके बाद कौन सा फेज आता है, कोडिंग फेज. राइट, तो ये हमारा कोडिंग फेज. तो कोडिंग फेज में हम क्या करते हैं, इन दिस फेज इंप्लीमेंट द डिजाइन इन द फॉर्म ऑफ कोडिंग. मतलब हम प्रीवियस में जो डिजाइन फेज में जो डिजाइन बनाए थे उसको हम कहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, कोडिंग फेज में. कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, देखो इट ट्रांसलेट द डिजाइन इनटू कोड. हम जो डिजाइन फेज में जो डिजाइन बनाए थे उसको हम अभी ट्रांसलेट कर देंगे कोड में, यानी कि इसी फेज में हम कोडिंग लिखना स्टार्ट करेंगे. किसको देख के, हमारे डिजाइन को देख के. ठीक है, That's why you have written in this phase implement the design in the form of code. That is translate the design into code. Okay? Then testing is done in this phase for each model. अच्छा, देखो coding के coding phase के बाद क्या आता है? Testing phase आता है. Okay? लेकिन हम testing phase में पहुंचने से पहले भी हम जब code लिखते हैं हम test कर लेते हैं. Okay? मतलब हम coding phase में भी testing कर सकते हैं. क्योंकि अगर देखो हम कुछ कोड लिख लिए तो उसी कोड को लिखने के बाद सडनली अगर हम उसको टेस्ट कर देंगे तो टेस्ट कर देने से हमको पता चल जाएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो आगे जाके हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा. इसलिए हम कोडिंग फेज में भी टेस्टिंग कर लेते हैं. ओके, और इसके वजह से टेस्टिंग फेज में जो टाइम लगता है वो भी हमको कम हो जाता है. राइट,
सो टेस्टिंग इज डन इन दिस फेज फॉर ईच मॉडल. जितना भी मॉडल है उसके लिए जो हम कोड लिखेंगे उन कोड को लिखने के बाद हम टेस्ट भी कर लेंगे, ठीक है. देन ईच मॉडल इज डॉक्यूमेंटेड एंड उसको जो मॉडल्स हैं उन सब मॉडल के लिए कोड लिखने के बाद हम उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट भी करेंगे. क्यों करेंगे डॉक्यूमेंट? क्योंकि अभी सोचो हमारे जो कंपनी है उसको उसके लिए जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो एक टीम है, और वो टीम जब सॉफ्टवेयर बना लेंगे उसके बाद वो लोग वो टीम अगर सोचो हमारे कंपनी को छोड़ के किसी दूसरे कंपनी में चले गए, तो उसके बाद उन लोगों के बाद हमारे कंपनी में जो नया टीम आएगा वो लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन सा कोड किसके साथ लिंक है, किस तरह से हमारे जो डाटा है फ्लो हो रहा है कोड के थ्रू से, वो उन लोगों को पता नहीं चल सकता है. सो इसलिए उन लोगों को फ्यूचर में रेफरेंस मिल सकेगा, इसलिए हम उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करते हैं. जो मॉडल है उसके लिए जो हम कोड लिखे हैं उसको हम प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करते हैं. ओके, देन डिलीवरेबल ऑफ दिस फेज इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम दैट हैज टू बी इंटीग्रेटेड टू फॉर्म ए कंप्लीट सॉफ्टवेयर. और ये जो कोडिंग फेज है उसका जो आउटपुट आएगा लास्ट में वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होगा. ओके, और वो जो सेट ऑफ कोड्स होंगे सेट ऑफ प्रोग्राम्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, एक साथ रखेंगे और हम फाइनली एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बना के रेडी करेंगे, ठीक है. तो कोडिंग फेज में मेनली हम क्या करते हैं, डिजाइन फेज में जो डिजाइन बनाए थे उसको हम ट्रांसलेट करके कोड लिखते हैं, और वो कोड लिखने के बाद हम टेस्ट कर लेते हैं, और टेस्टिंग करने के बाद हम क्या करते हैं उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करते हैं, और डॉक्यूमेंट करने के बाद जो हमारा कोड लिखे हैं वो सब सेट ऑफ कोड्स को हम कलेक्ट करके एक जगह में रखेंगे और फाइनली एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनाएंगे. ऑलराइट, देन इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है वो क्या होता है, दैट इज टेस्टिंग फेज, राइट. सो ये है हमारा टेस्टिंग फेज. ओके, तो हम ये टेस्टिंग फेज में क्या देखते हैं, हमारे जो कोड लिखे हैं कोडिंग फेज में, मतलब इसका जो प्रीवियस वाला फेज में जो कोड लिखे थे मॉडल सभी के लिए, वो मॉडल के जो कोड है वो सब ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, वो हम टेस्टिंग फेज में चेक करते हैं. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल हम कोडिंग फेज में तीन मॉडल हमारे पास था, ठीक है, तो मॉडल वन, मॉडल टू एंड मॉडल थ्री, ठीक है. तो मॉडल वन के लिए हम कोड लिखे होंगे, तो टेस्टिंग फेज में मॉडल वन के लिए जो कोड लिखे थे उसको चेक करेंगे इंडिविजुअली वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं. ओके, देन क्या करेंगे, मॉडल टू के लिए जो कोड लिखे थे उसको चेक करेंगे, देन मॉडल थ्री के लिए जो कोड लिखे थे इसको उसको भी चेक करेंगे इंडिविजुअली, ठीक है. उसके बाद अगर वो सब कोड जो लिखे थे वो उसमें हम सेटिस्फाई हो गए, यानी कि वो सब कोड ठीक से काम कर रहा है, तब हम क्या करेंगे, मॉडल वन के लिए जो कोड लिखे थे उसको क्या करेंगे, मॉडल टू के कोड के साथ मिक्स करेंगे, यानी कि ऐड कर देंगे. ओके, देन मॉडल वन एंड मॉडल टू के जो कोड है उन दोनों को कंबाइनली हम टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं. ऑलराइट, अगर वो ठीक से काम कर रहे हैं दोनों के दोनों कोड, ओके, देन हम क्या करेंगे, मॉडल थ्री के जो कोड थे उसको भी उसके साथ ऐड कर देंगे, यानी कि अभी मॉडल वन, मॉडल टू एंड मॉडल थ्री के जो कोड्स हैं उन सब कोड को मिला के फाइनली और एक बार चेक करेंगे और ये देखेंगे कि हमारा जो कोड्स है यानी कि जो सॉफ्टवेयर है, अगर अभी हम तीनों के जो तीनों मॉडल का जो कोड्स है उनको मिला देने के बाद अभी हम क्या बोलेंगे, उसको सॉफ्टवेयर बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी टोटल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जितना कोड चाहिए था वो ऑलरेडी मिल चुका है, राइट. तो अभी ये चेक करें कि ये जो तीनों कोड हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं कि नहीं. ओके, एंड अगर वो ठीक से काम कर रहे हैं तो हम ये कंक्लूजन में पहुंच जाएंगे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर बनाने का काम था वो बन के तैयार हो गया. ओके, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन इन दिस पेज वी आर फोकस्ड इन द टेस्टिंग ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम्स ऑब्टेन फ्रॉम द डिलीवरेबल ऑफ कोडिंग. यानी कोडिंग फेज में जो डिलीवरेबल था जो कोड था उसको हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं. ओके, ईच मॉडल आर टेस्टेड इंडिविजुअली, जैसे मॉडल वन, मॉडल टू, मॉडल थ्री के कोड थे उसको इंडिविजुअली चेक करे थे, एज वेल एज इन ए कॉम्बिनेशन विद अदर मॉडल, उसके साथ मॉडल वन के साथ मॉडल टू, मॉडल टू के साथ मॉडल थ्री, उसके बाद हम क्या करते हैं फाइनली इन ईच कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडल वी परफॉर्म टेस्टिंग. उसके बाद फाइनली हम क्या करते हैं तीनों जो मॉडल थे उन सभी का कोड को कंबाइन करके हम चेक करते हैं, राइट. तो ये सब टेस्टिंग फेज में होता है. ऑलराइट, सो द मेन फोकस ऑफ टेस्टिंग क्या है, द मेन फोकस ऑफ टेस्टिंग इज टू चेक वेदर द सॉफ्टवेयर इज कम्प्लीटली सैटिस्फाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ SRS और नॉट. हमारे जो SRS यानी कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन था उस
सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को हमारा जो कोड्स है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, वो चेक करना हमारे मेन फोकस होता है टेस्टिंग फेज में. ओके, देन आफ्टर दिस फेज द लास्ट फेज इज मेंटेनेंस फेज, राइट. तो मेंटेनेंस फेज में हम क्या करते हैं, जब हमारे सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो जाता है टेस्टिंग फेज में और हम श्योर हो जाते हैं कि हम जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो ठीक से काम कर रहा है, उसके बाद हम क्या करेंगे, टेस्टिंग के बाद जो सॉफ्टवेयर है उसको हैंड ओवर कर देंगे किसको, क्लाइंट को. ओके, देन क्लाइंट अभी यूज करेगा, जब यूज करेगा उस टाइम पे ये मेंटेनेंस फेज काम पे आता है. ओके, तो किस तरह से काम में आता है, देखो दिस फेज एंश्योर दैट द फ्यूचर रिक्वायरमेंट एंड एनवायरमेंट हैज बीन सक्सेसफुली टेस्ट इन द सॉफ्टवेयर एंड दिस फेज कंटिन्यूइंग टिल द सॉफ्टवेयर डाई. ये जो मेंटेनेंस फेज है ये क्या बोलता है कि ये हमको सियोरिटी देता है कि हम जो रिक्वायर कर रहे थे फ्यूचर में हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू से वो सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है बोल के हमको ये सियोरिटी देता है. ओके, मेंटेनेंस फेज. और ये जो फेज है ये फेज टिल द सॉफ्टवेयर डाई, जब तक सॉफ्टवेयर खत्म ना हो जाए तब तक ये मेंटेनेंस फेज चलता रहता है. ओके, सो हम ये बोल सकते हैं कि दिस फेज हैज द मैक्सिमम एफर्ट एज कंपेयर टू ईच फेज. जितना भी फेज है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में SDLC में, ओके, उनमें से सबसे ज्यादा टाइम कौन सा फेज लेता है, वो है मेंटेनेंस फेज. ओके, ये एग्जाम में भी और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है आप लोगों को कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम कौन सा फेज लेता है, तो उसका आंसर क्या है, मेंटेनेंस फेज. ओके, देयर आर थ्री टाइप ऑफ मेंटेनेंस आर देयर. ओके, ये जो मेंटेनेंस फेज है ये तीन तरह का होता है. फर्स्ट वन इज करेक्टिव मेंटेनेंस, सेकेंड इज परफेक्टिव मेंटेनेंस एंड थर्ड इज एडाप्टिव मेंटेनेंस. करेक्टिव मेंटेनेंस किसको बोला जाता है, जिसमें हम बग को फाइंड करते हैं. ओके, मतलब इन फ्यूचर अगर जब हमारा जो क्लाइंट है वो हमारे सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है मेंटेनेंस फेज में ऑलरेडी, तो उस टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम आया, कोई बग फाइंड, कुछ बग आया, तो उस बग को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं और फाइंड आउट करने के बाद उसको सॉल्व भी करते हैं. ओके, एंड परफेक्टिव मेंटेनेंस फेज में क्या होता है, अपडेट करते हैं. देखो जैसे जैसे हमारे टाइम आगे बढ़ते बढ़ते जाता है उस टाइम के हिसाब से हमारा सॉफ्टवेयर का भी जो प्रोसेस है उसको भी अपग्रेड रखना चाहिए, तो उसी लिए हमको सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट भी करना होगा, राइट. तो वो कौन सा फेज में होता है, परफेक्टिव मेंटेनेंस फेज में होता है. ओके, देन थर्ड फेज इज एडॉप्टिव मेंटेनेंस. इसमें क्या होता है, जैसे कि व्हाट्सएप वीडियो कॉल. इसका मतलब ये है कि आप जब पहले बार आप व्हाट्सएप यूज किए मोबाइल में, उस टाइम पे उसी व्हाट्सएप एप्लीकेशन में ओनली कॉल का फैसिलिटी था, राइट, लेकिन वीडियो कॉल का फैसिलिटी नहीं था. तो उसके बाद जब लोगों ने यूज करना स्टार्ट कर दिया व्हाट्सएप को, उस टाइम व्हाट्सएप के जो टीम है, जो ओनर है उसका, वो लोग, उन लोगों को ये लगा कि इसके साथ, ये जो ओनली कॉलिंग फैसिलिटी के साथ अगर हम वीडियो कॉल को भी ऐड कर देते हैं तो ये यूजर के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, राइट. आफ्टर सो अभी जो व्हाट्सएप को, जो व्हाट्सएप के लिए जो कोड लिखे हैं उसके साथ अभी फिर और एक कोड ऐड करना पड़ेगा हमको, राइट, नया थिंग ऐड करना पड़ेगा, दैट इज वीडियो कॉल के लिए, राइट. तो यही चीज, नया नया चीज को हमारे एप्लीकेशन के साथ ऐड करने का जो काम होता है वो होता है एडेप्टिव मेंटेनेंस में. ओके, तो मेनली ये थ्री टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस होता है. ओके, फर्स्ट इज करेक्टिव मेंटेनेंस, परफेक्टिव मेंटेनेंस एंड एडेप्टिव मेंटेनेंस. और सबसे ज्यादा टाइम कौन सा फेज लेता है, तो वो है मेंटेनेंस फेज. ऑलराइट, सो आई होप कि आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि ये क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल क्या होता है और इसमें जो सिक्स फेजेस हैं ये भी फेजेस के अंदर क्या क्या काम होता है उसके बारे में भी आप कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गया होगा, राइट. तो कहीं पे भी आपको समझने में अगर प्रॉब्लम आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से लिखें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको और भी अच्छे से क्लियर कर सकूँ. ओके, सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू, बाय.